कैमरे रख लो ना। हमने तो ये फैसला सरदार प्रकाश सिंह बादल और चौटाला साहब पे छोड़ दिया। बारी बारी हर रोज, पता नहीं मीडिया को ज्यादा दिलचस्पी है या कुछ लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है कि घुमा फिरा के मेरे से सवाल पूछते। मैंने तो कल पत्र लिखकर रमेश दलाल जी को कह दिया कि राजनीतिक तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि वो बाहर आकर बादल साहब से चौटाला साहब से मिलकर इस पर निर्णय करेंगे, पर पारिवारिक तौर पर कोई भी बात हो स्पष्ट है, हम तो मानते हम एक हैं, पर बारी बारी मीडिया शायद हमें बांटने का काम कर रही। और मैं आग्रह करूँगा कि ये चीज़ जो लोग चला रहे हैं वो भी स्पष्ट करें कि राजनीतिक तौर की बात है या पारिवारिक तौर की बात है। दूसरी चीज आज प्रदेश के हालात की, आज कोई ये नहीं दिखाता कि कितनी कंपनियों से गुड़गांव में लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, हजारों हरियाणा के बच्चों को बेरोजगारी का झटका हरियाणा में झेलना पड़ा, प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की रैली जहाँ ये कह रहे थे कि लाखों लोग आएंगे, उसके अंदर हजारों लोग भी ना आना, ये साबित कर देता है कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका, लोग अब परिवर्तन के लिए जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी को 90 की 90 सीटों पर ताकत देने का काम करेंगे। मैं तो आप मानते हैं अगर फुल फ्लेज पावर मिलती तो उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाते, कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी अध्यक्ष बनाते, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का अध्यक्ष बनाते। ये तो पुत्र मुंह में एक लॉलीपॉप मिली। अशोक अरोड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया ना, वो हमारी पार्टी के हिस्सा है, मगर अगर दिया है तो बड़ी दुखद बात है कि जिस पार्टी से वो इतने लंबे समय से जुड़े रहे आज उनका मोह भंग क्यों हुआ। जब हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई थी जब भी शायद वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिसने उस समय भी प्रयास करे थे। इसका मतलब तो जिन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया कहीं ना कहीं उन लोगों ने आज अरोड़ा जी को भी प्रताड़ित कर पार्टी से बाहर जाने पर मजबूर किया। मैं तो स्वागत करता हूं, अगर वो आना चाहे तो हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले। गठबंधन तोड़ा और किस इच्छा के साथ तोड़ा उसके ऊपर जवाब तो शायद मायावती जी ने दे दी। हमारे साथ तो जो बात हुई थी वो 40 सीट बसपा लड़ेगी, 50 सीट पे हम लड़ेंगे और सहमति के साथ उन सीटों का बंटवारा भी हुआ। उनके मन में उसके बाद क्या बात आई, क्या कोई कानूनी ताकतों के दबाव में उनने ये निर्णय लिया, इसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं उसे बेहतर है बसपा के साथ। पहली सूची जननायक जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स की पब्लिक देता हूँ, 90 में 50% युवाओं को हम नेतृत्व देने का काम करेंगे। हमने वादा किया था परिवर्तन का और युवा शक्ति, क्योंकि आज 56% वोटर जो है वो 45 साल से नीचे के, उनको उसी हक के साथ अधिकार के साथ हम नेतृत्व भी देने का काम। अति महिला ही थी, हमने तो पिछली बार भी युवाओं और महिलाओं का सम्मान, ये तो हम पे छोड़ दो। 12 तारीख का इंतजार करो, पहली सूची आपके पास। हम 90 सीटों पर मजबूती से लड़े। प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ आपके सम्मान दिवस के प्रभारी दयानंद कुंडू जी मंच पर विराजमान, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रोशन ढांडा जी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर अभय सिंह मौर्य जी, जिला के आपके कर्मठ अध्यक्ष भाई रणदीप कौल जी, आज की इस ओंकार रैली के आयोजककर्ता मेरे युवा साथी भाई संदीप जी, हमारे बीच में मौजूद रामकर मलिक जी सरपंच, आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि अब समय हमारे पास केवल मात्र 30 दिन का बाकी है और इस 30 दिन के समय के अंदर
हमारी जिम्मेवारी है कि हम पूरी निष्ठा से, लगन से, मेहनत से, जोश से, जज्बात से घर घर जाकर पार्टी संगठन को और मजबूत करें। आपने खुद देखा कि परसों प्रधानमंत्री की रैली थी और एक हवा पूरे प्रदेश में बढ़ाया हुआ था कि प्रधानमंत्री की उस रैली में 20,000 से ऊपर जो हरियाणा प्रदेश के बूथ, हर बूथ पर 40 पन्ने उनके प्रमुख आएंगे, तो लगभग 4,00,000 के आसपास की रैली हुई। पत्रकार साथी बैठे हैं, इनने भी देखा कि जो जोश लोकसभा के चुनाव में था, इस यात्रा ने उस जोश को फीका कर दिया। और प्रधानमंत्री की रैली में जहां 50,000 भी कुर्सियां नहीं थी, 30,000 लोग भी नहीं पहुंचे। यह अपने आप में दर्शाता है कि लोगों के मन की जो सच्चाई वो प्रकट होने लगी। और तो और, कैथल की धरती तो गुप्तगो की है। वीरेंद्र सिंह जी ने भी ऐसी एक बदलाव रैली करी थी और उस रैली के अंदर अमित शाह जी को तोहफा दिया था, जैसे भाई संदीप ने मेरे को चाबी दी। वीरेंद्र सिंह जी ने कह दिया था लठ और कैथल की धरती पर 48 घंटे में लठ बजा था, नहीं बजा था। शुरुआत आपके जिले से, और परसों की रैली ने साबित कर दिया कि आज पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी लठम लठ हुई है। और अगर इस तरीके से चलती रही तो ये मन में रखना कि आज परिवर्तन के तौर पर अगर कोई सामने आता है तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी को लोग चुनने का काम करते। मैं भी आ रहा था जब आपके बीच में तो संदीप ने गाड़ी कर रखी थी, मैं देख रहा था पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेसियों के, और ये हैरानी थी कि प्रवक्ता की पोस्टर में तो प्रधान की फोटो नहीं थी और प्रधान वाले पोस्टरों में प्रवक्ता की फोटो नहीं थी। ये हालात कांग्रेस में तो प्रधान बदलने से नहीं सुधरेगी, ये तो कांग्रेस सर्वनाशी की ओर जा रही। मगर अब जहां कांग्रेस खत्म हो रही और बीजेपी का दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता जा रहा है, लोगों के मन की आशा और अपेक्षा केवल मात्र यह है कि बदलाव ऐसा प्रदेश में लेकर आए जो आने वाले समय में इन युवा साथियों को रोजगार दे पाए, हमारी माताएं बैठी व्यापारी है इनको सुरक्षा दे पाए, किसान को समृद्ध कर पाए। कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण प्रदेश में बनाया जाए जो कमेरे वर्ग को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाए। 5 साल की बीजेपी के शासन को उठाकर देखो, 10 साल के कांग्रेस के शासन को उठाकर देखो, इन 15 साल में बातें बड़ी बड़ी कही गई कि एक घर से एक रोजगार दे, किसी के मिला? ये खट्टर साहब कहते हैं ना पर्ची चलेगी ना खर्ची होगी। परसों इन्हीं की गुड़गांव की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रिपोर्ट दी, 120 पन्नों की रिपोर्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि गुड़गांव कॉर्पोरेशन जिसका बजट 100 करोड़ का, उस कॉर्पोरेशन के अंदर सरेआम सिफारिश के ऊपर लोग लगते हैं। और जो नौकरी का फॉरम है उस फॉरम पर लिखा हुआ है कि रेफरेंस लेकर आओ किसी मंत्री की, सांसद की, आईएएस अधिकारी की। साथियों, ये ग्रुप डी का हवाला देकर लोगों को है और नौकरी के फॉर्म भरने वाले थे 18,00,000। आज खुद सोचो कि 18,00,000 बच्चों ने अपने भविष्य में कि 18,000-20,000 की नौकरी लग जाए, दर दर की ठोकरें खाई और नौकरी मिली किसको? पीएचडी करे हुए छात्रों को, एमएससी एमटेक करे हुए छात्रों को। और नौकरी किस प्रकार की जो शायद 8वीं पास 10वीं पास या 12वीं पास कर सकता था, पीएन की, चपड़ासी की, बेलदार की, नाई की, धोबी की, माली की। क्या एक माँ बाप अपने बेटे की शिक्षा पर, बेटी की शिक्षा पर करोड़ों रुपए
यूं ही खर्चते हैं कि उनके बेटे को लाखों रुपए यूं ही खर्चते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अफसर लगेगी। मरवा खट्टर साहब अफसर का सपना तो बहुत छोड़ो, इन पढ़े लिखे बच्चों के साथ जो धोखेबाजी आपने करने का काम किया है, अब समय आ चुका जनता वोट की चोट मारकर उसका जवाब देने का काम करे। तो आप ये ईमानदार लोग हैं, इनसे पूछने का काम करो कि जुडिशरी का पहला पेपर लीक हुआ तो इनके शासन में हो। इनसे पूछने का काम करो कि पटवारी नायब तहसीलदार के पेपर 2.5-2.5 लाख में बिके या नहीं बिके। रेवाड़ी के अंदर तो 2.5 लाख रिश्वत लेते हुए लोग पकड़े गए, FIR होगी, आज जेल के अंदर है, फिर भी सरकार नजर डाउट करती है। पत्रकार साथी शायद सरकार से पूछना भूल जाते कि लोकसभा के चुनाव खत्म होते मुख्यमंत्री का बयान था कि हम बंपर नौकरियां निकालेंगे, कोई एक नौकरी निकाली? जो निकाली 2015 में 2014 में जो इश्तिहार निकले हुए थे उन भर्तियों को कैंसिल करके दोबारा नए इश्तिहार निकालने का काम किया। साथियों कि प्रदेश के अंदर आज जहां सरकारी नौकरियों की हालत का पोल खुलने लगी, SDO इलेक्ट्रिकल भर्ती हुए 80, हरियाणा के केवल मात्र 2, आज गुड़गांव में प्राइवेट 17 लाख नौकरी है, हरियाणा के केवल मात्र 3 लाख। ये जो भेदभाव, ये हमारे रोजगार के अधिकार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, राज बना दो। पहली कलम से जैसे चौधरी देवीलाल जी ने कानून लागू किया था कि 100 रुपए हर बुजुर्ग को पेंशन दी जाएगी, अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी पहला कानून कोई लागू होगा तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोजगार में 75% हिस्सेदारी आपके बच्चों की होगी, मेरे भाइयों की। और साथियों अगर 75% होगी तो फिर गुड़गांव की 17 लाख नौकरियों में 3 लाख हिस्सेदारी भी, 14 लाख बच्चे लगेंगे। तो आप जैसे ग्रामीण अंचल के युवा साथी जो पढ़े लिखे जो आज इस आशा में बैठे हैं कि माँ बाप के ऊपर बोझ ना बरसते हुए आज खेती बाड़ी छोड़ना चाहते हैं, उनके हाथ में रोजगार का साधन हम उपलब्ध कराना पाएंगे। साथियों आज क्या हालात, 2-2 महीने बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, और जब पेंशन आती है तो बैंक में पहले राखी नहीं मिलेगी, अगर राखी मिल जाएगी तो फिर ये हालत है कि बैंक मैनेजर सुबह बैठाएगा, कहेगा मैं पेंशन वालों को शाम को लूं, 4-4 घंटे लाइन में बैठाने के बाद 1-2 हजार का नोट देने का काम करेगा और कह देगा कि पैसे पैसे कल ले जाइए, आज बैंक में पैसे खत्म हो गए। साथियों इस व्यवस्था को समझते हुए परिवर्तन लाने की जरूरत, और इसीलिए 9 दिसंबर को जब आपकी पार्टी का निर्माण हुआ था एक वादा किया था कि जिस दिन प्रदेश में आपका शासन बनेगा उस दिन जाए कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, ये मेरी माताएं बहनें बैठी इनको 55 साल और ये हमारे बुजुर्ग बैठे इनको 58 साल, पहले की तरह घर बैठे पेंशन की व्यवस्था बनाने का काम करूंगा। साथियों एक हर घर तक पहुंच चुकी है वो पीने के पानी की वजह से बीमारियों की, आज ये हालात है कि प्रदेश के अंदर कैंसर काला पीलिया जैसी बीमारी घर घर तक पहुंच चुकी है, और उससे लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक कदम उठाया था दिवाली के अंदर, जब उनने 11 गांव गोद लेकर उनपे बड़े RO सिस्टम लगाए। साथियों वो प्रयास था, अब उसको पूरे प्रदेश में फैलाने का समय आ गया। जैसे ही प्रदेश में आपका राज बनेगा 6,847 ग्राम पंचायतें हैं और शहरी वार्ड है, सब के अंदर बड़े कमर्शियल RO प्लांट लगाए जाएंगे। जो जैसे भी मैं देख के आया आपके कैथल में एक लगा हुआ है, मगर मेरे को पता चला उसमें कूपन डालने पड़ते हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सरकार की जिम्मेवारी है कि स्वच्छ पानी घर घर तक पहुंचाए, इसके लिए हर कमर्शियल RO से निशुल्क पानी एक एक घर तक पहुंचाने का भी काम आपकी सरकार कर। साथियों आज कर्जा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खट्टर साहब का बयान था 5-7 दिन पहले हम तो किसान का कर्जा माफ करेंगे, खट्टर साहब दिवालिया प्रदेश का निकाल चुके और कर्ज माफी की बात करते,
आपकी सरकार ने तो कर्जा माफ किया तो धन्ना सेठों का किया, बड़े बड़े पूंजीपतियों का किया, या ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को ताकत दी कि वो पैसा लेकर विदेशों में फरार हो जाए। ये वादा चौधरी देवीलाल जी ने किया था, पूरा कर दिखाया था। और ये वादा हम करते हैं कि केवल मात्र किसान नहीं, आज छोटा दुकानदार, कोई दूधिया हो, कोई नाई की दुकान चलाता हो, प्रदेश में जैसे सरकार बनेगी पहली कलम से सहकारी बैंकों में जितना भी कर्जा उसको माफ करने का काम आप करेंगे। ये काम मुमकिन कब होंगे? ये काम मुमकिन जब होंगे जब प्रदेश में 40 विधायक बनकर राज बनेगा। और राज बनाने के लिए हमें अपने हलके से पहले अपना गांव और गांव से पहले अपने बूथ को मजबूत करने का काम करना है। मैं तो निवेदन करता आज हजारों साथी यहां मौजूद, अगर एक एक साथी ये प्रण ले ले 30 दिनों के अंदर हमने एक एक नया साथी संगठन के साथ जोड़ना है हर रोज, तो आप ये मान कर दो कि एक साथी अगर 30 आदमी जोड़ेगा तो 1000 साथी 30,000 नए जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे 2000 साथी 60,000, फिर चाहे रणदीप वाले, चाहे मनोहर लाल खट्टरा, चाहे कोई आ जाए, जननायक जनता पार्टी की इस चाबी को चंडीगढ़ का ताला खोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हम अपना प्रचार प्रसार किया है, जनता पे टैक्सों का भारी बोझ लगा के जनता की कमाई से उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। आज जोनसी खट्टर साहब ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है जिसका खर्चा 300-400 करोड़ है। क्या वो जनता का पैसा नहीं था? क्या वो जनता के काम के लिए नहीं था, विकास के लिए नहीं था? आज हमारे लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो रहे हैं। ये कि जब उनका एक व्यक्ति का रोजगार छूटता है तो इन्होंने युवाओं को ठगा है रोजगार देने के नाम से। इन्होंने दिलोरा पीटा ग्रुप डी की भर्ती का खिलवाड़ है जिसकी उसको देख कर दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। यानी कि जिस तरह हरियाणा आप लोग चलोगे, जिस तरह युवा चलेगा, निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा में जिस तरह आप इशारा करोगे उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन साथियों हमने मिटना है, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है उन पार्टियों के साथ है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जिसने 60 साल से घपले करके हरियाणा पर पूरे भारत को लूटने का काम किया। अब पिछले सवाल है, मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा के अंदर वेंटिलेटर पर है, एक झटके की जरूरत है। अब वेंटिलेटर पे क्यों है आपको मैं बता दूं, पूरे